आज मेरा बिलीव है कि आप जो वर्ड सुनेंगे आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। तो आज से एक टीचिंग की शुरुआत मैं आपके लिए कर रहा हूं। ये टीचिंग मोस्टली मैं बाइबल कॉलेज में अपने देता हूं, लेकिन वहां पे बहुत डिटेल में होती है, तो थर्सडे मैं वो ही देने की कोशिश करूंगा, लेकिन चाहे हम उतनी डिटेल में ना जा सकें, लेकिन वो इतना होगा कि आपकी लाइफ जरूर बदल जाए। हमें यह समझने की जरूरत है कि जो कुछ आपको चाहिए वो सारा कुछ इस पवित्र बाइबल में मौजूद है। आपको स्पिरिचुअल तरक्की चाहिए, आपको फिजिकल हीलिंग चाहिए, आपको फाइनेंशियल बरकत चाहिए, आपको फैमिली की ब्लेसिंग चाहिए, वो सारा कुछ बाइबल में मौजूद है। लेकिन उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लागू कैसे करना है और उसका फायदा कैसे लेना है, वो बहुत से क्रिश्चियंस को मालूम नहीं है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने उनके लिए अवेलेबल किया है उसका वो फायदा नहीं उठा रहे, और वही संघर्ष जो अन्य जातियों की लाइफ में है, वही संघर्ष क्रिश्चियन लोगों की लाइफ में भी है। क्योंकि उनको लगता है कि वो भी संघर्ष कर रहे हैं और मैं भी संघर्ष कर रहा हूं, क्योंकि हमारा देश, हमारा मोहल्ला एक ही है, हमारा प्रोफेशन एक ही है। क्योंकि देश की इकोनॉमी खराब है, फलाने देश की आज मंदी चल रही है, अमेरिका में मंदी चल रही है, तो इस अमेरिका में मंदी चल रही है क्योंकि मेरे देश में मंदी चल रही है, इसलिए मेरे सामने वाले बंदे का भी वही प्रोफेशन है, वही बिजनेस है, मेरा भी वही है, हम दोनों में मंदी चल रही है। लेकिन वचन क्या कहता है? अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़े तो वचन कहता है कि जब अब्राहम के समय में मंदी पड़ी, इजहाक के समय में मंदी पड़ी, तो वचन कहता है अब्राहम और इजहाक 100 गुना फलों को लेके आए, वहां की सरकारों से भी अधिक वो अमीर हो गए और ब्लेस्ड हो गए, और उन फैमिन का, अकाल का और मंदी का उनके जीवन और उनके परिवार के ऊपर 1% भी फर्क नहीं था। रीजन क्या था? अगर आप इन व्यक्तियों को ध्यान से पढ़े तो रीजन ये था कि ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति के साथ जानते थे और समझते थे, और ये परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़े हुए थे। हालेलुया। जब आप वचन के साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं तो परमेश्वर देखता है कि ये मेरे लिखे हुए वचनों के साथ बहुत समय बिता रहा है। तो आप नोटिस करेंगे, जो लोग बाइबल ज्यादा पढ़ते हैं उनको दर्शन भी ज्यादा आने शुरू होते हैं, सपने उनके चेंज होना शुरू, जब आप बाइबल पढ़ने लगते हैं। क्योंकि लिखित वचन को पढ़ने से आपका जो आत्मिक एटमॉस्फेयर है आपकी लाइफ का, वो चेंज होना शुरू हो जाता है। आप अपनी सोल को फीड करना शुरू कर देते हैं। कई बार जब कुछ दिनों तक आप खाते नहीं, आपकी बॉडी में एक बेचैनी फील होती है, आपको कमजोरी फील होती है, क्योंकि आपने बहुत दिनों से खाया नहीं, या आपने मिस कर दिया, आप बिजी हो गए। और उसी तरह से आत्मा की जो सोल है, जो आपकी स्पिरिट है, उसका खाना बाइबल है। कई बार आप बिजी हो गए और आपने बाइबल पढ़नी बंद कर दी, आप देखेंगे कि आपकी आत्मा में, सोल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। जब आपकी जो सोल है, आपकी स्पिरिट है, उसका खाना वचन है, प्रेयर नहीं है, फास्टिंग नहीं है, वचन उसका खाना है। जब आप वचन को नहीं खाते, उसको फीड नहीं करते, एक अजीब सी बेचैनी आपकी लाइफ में रहती है। दूसरा, आप प्रभु से डिस्कनेक्टेड रहते हैं। जब आप बाइबल को नहीं पढ़ते हैं तो होता क्या है कि जो अगुवाई परमेश्वर ने आपको देनी होती है, और एक संतुष्टि जो शरीर की होती है, जैसे जब आप अच्छी तरह से डाइट को फॉलो करते हैं, आपका शरीर जब हेल्थी फील करता है, आपको अंदर से एक संतुष्टि फील होती है कि आज मैं बहुत हेल्थी फील कर रहा हूं। उसी तरह से आपकी स्पिरिट जब हेल्थी फील करती है और संतुष्ट और कंटेंट फील करती है, फिर वो एक्यूरेट पोजीशन में होती है कि वो परमेश्वर की बात को सुन सके। और जब आप परमेश्वर की बात को सुन के चलते हैं, जो मसले आपके सामने ही होते हैं, कई बार सोल्यूशन आपके सामने होता है। वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि जब अब्राहम ने हाजिरा को अपने आप वहां से निकाल दिया, अपने घर से सारा के कहने पर, तो सारा और उसका बेटा जब जा रहे थे, हाजिरा रोने लगी, हाजिरा और उसका बेटा जब जा रहे थे तो वो रोने लगी, और परमेश्वर ने, दूत ने प्रकट होकर उसके बोला कि परमेश्वर ने तेरे रोने को नहीं परमेश्वर सुनता, इसलिए नहीं कि वो रो रही थी, प्रभु का दूत प्रकट हो गया। उसने कहा तेरे बेटे की प्रार्थना सुनी। बेटे को प्रार्थना करनी कहां से आती थी? क्योंकि वो अब्राहम के साथ रहता था। आप नोटिस करेंगे, एक व्यक्ति जो इतना अच्छे करेक्टर का या इतना अच्छा व्यक्ति नहीं है, लेकिन जब वो धर्मी लोगों के साथ रहना शुरू होता है, उस पर भी मसा आ जाता है, चाहे वो इतना करेक्टर का अच्छा नहीं है।
मसा फिर भी उसकी लाइफ में एंटर करना शुरू करता है। बाइबल कहती है शाऊल जब अभिषेक होकर शमूएल से वापस जा रहा था तो वचन कहता है कि जब नबियों का दल उससे मिला तो शाऊल भी नबूवत करने लगा। तो कहावत चली कि शाऊल भी नबियों में से है, नबियों का है। तो इसका मतलब जो संगति होती है वो आपके ऊपर इफेक्ट करती है। तो वचन कहता है कि जब उसका बेटा प्रार्थना करने लगा, क्योंकि उसने अब्राहम के साथ रहकर सीखा हुआ था, तो प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी और परमेश्वर ने आकर उसकी माँ के दूध को भेजा और उसकी माँ की आंखों को खोला। कौन सी आंखों को? लिखा उसकी आंखों को खोला, क्योंकि रोटी और पानी खत्म हो गए थे, कि परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला और उसको एक कुआं दिखा। वो कुआं तो पहले भी वहां मौजूद था, ऐसा तो नहीं था कि कुआं था परमेश्वर ने नया पैदा कर दिया। सोल्यूशन वहीं पे था, जिंदगी वहीं पे थी, लेकिन वो उस जिंदगी तक वो पहुंच नहीं पा रही थी। उसका रीजन ये था कि उसकी आंखें बंद थी। आंखें बंद होने का कारण ये था कि परमेश्वर को पुकारा नहीं गया था। और उसके बेटे ने जब प्रभु को पुकारा, जब परमेश्वर को अपनी लाइफ में इनवाइट किया, कैसे इनवाइट करते हैं आप? प्रार्थना से। कैसे इनवाइट करते हैं? वचन के साथ जुड़ के। और लिखा जब उसकी आंखें खुली तो वो पानी वहीं पे था। होता क्या है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो जाती, तब वो सोल्यूशन आपके सामने ही होता है, आपके आसपास ही होता है, लेकिन आपको कभी दिखता नहीं। आप सफर करते रहते हैं, खिंचते रहते हैं, आप दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो सोल्यूशन आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में परमेश्वर को इनवाइट नहीं किया हुआ, आप बाइबल के साथ नहीं जुड़े हुए, आपने प्रार्थना को अपनी जिंदगी में महत्व नहीं दिया हुआ। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? कई बार आपके हस्बैंड को बदलने के लिए आपकी एक ही बात चाहिए होती है, एक ही बात ऐसी आपके मुंह से निकलेगी, वो प्रभावित हो जाएगा और धीरे धीरे बदल जाएगा, लेकिन वो बात तब तक परमेश्वर आपके मुंह से नहीं निकालता जब तक आप पूरी तरह से अपनी लाइफ को परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं करते। फिर आप हैरान होते हैं कि मैंने जैसे ही प्रार्थना करनी शुरू की और बाइबल पढ़नी शुरू की, कैसे परमेश्वर ने मेरे शब्दों को बदल दिया, और मैंने अपने पति से बात की, मैंने अपने भाई से बात की, ये मसीह में नहीं था, लेकिन इसका दिमाग चेंज होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उन शब्दों के ऊपर परमेश्वर ने आप अपना अधिकार कर लिया, आपके दिमाग पर परमेश्वर ने अपना अधिकार कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने उसे मौका दिया, आपने अपने सोल को खाना दिया, वचन दिया, वचन को पढ़ना शुरू किया, पापों से तौबा की, प्रार्थना करनी शुरू की, परमेश्वर ने आपके माहौल को चेंज किया और परमेश्वर ने वो बदलाव किया जो आपकी लाइफ में चाहिए था। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? तो आज मैं आपको आपके ग्राउंड बना दूंगा। और आपने नोटिस किया होगा कि डिलीवरेंस वीक्स जो पिछले साल हुए थे, अब तक उनके टेस्टिमनीज को हम पाते हैं कि मेरे घर में 20 साल से शराब था, मेरे घर में 15 साल से शराब था, मैं डिलीवरेंस वीक्स के दौरान आया था और मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं आपको बता रहा हूं, अब वही थर्सडे आ चुके हैं, आपकी लाइफ कभी सेम नहीं रहने, कभी इन जीसस ने, मैं आपको बता रहा हूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहला राजा 17 बाब उसकी एक आयत से। उसमें लिखा हुआ है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो मेह बरसेगा ना औस पड़ेगी। तब यहोवा का वचन ये उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छुप जा, उसी नाले का तो पानी पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाएं। यहोवा का यह वचन पाकर वह यर्दन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौए उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वो नाले का पानी पिया करता था। यहां पर पहली आयत मैं फिर से आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें लिखा है तिशबी एलिया, तिशबी यानी उसके बैकग्राउंड का, जैसे तिशबी लोग, पहाड़ी लोग, हम बोलते हैं इजरायली लोग, हाँ ऐसे नाम था उस तिशबी, तिशबी एलिया कि नेपाली लोग ऐसे, तो तिशबी एक एरिया का नाम था कि तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा। सीधी एंट्री होती है, एलिया अहाब, यानी एक प्रभु का दास, दूसरा उस देश का राजा, इज़राइल का राजा और परमेश्वर का नबी। इधर प्रभु का नबी खड़ा है, इधर इज़राइल का राजा खड़ा है। पहला राजा 17 से पहले एलिया का जिक्र कहीं नहीं आता। जिसमें बाइबल कॉलेज में पढ़ाता हूं कि हम ऐसे
जनों को पढ़ेंगे बाइबल में जिनसे परमेश्वर ने डायरेक्ट बात की है बोलकर, कि ऐसे ऐसे कौन कौन से जन हैं जिनसे परमेश्वर ने डायरेक्ट बोलकर बात की है। तो बात तो परमेश्वर ने कैन से भी की है जिसने अपने भाई को मार दिया था, लेकिन हम उन लोगों को पढ़ेंगे जिन लोगों से परमेश्वर ने बात की है और उन्हें एक डिवाइन असाइनमेंट, एक होमवर्क, एक काम, एक बुलाहट दी है। फिर उन लोगों से परमेश्वर ने बात क्यों की है, क्या खासियत थी उन लोगों में, क्या वो आसमान से चुने हुए लोग थे, क्या पहले से चुने हुए लोग थे, क्या पहले से ही ऐसे चुना गया था जब वो पैदा हुए कि इनसे मैं बात करूंगा, क्या ऐसा था या कोई और कारण था। अगर हम मरियम को पढ़ें जिससे परमेश्वर ने डायरेक्ट बात की थी, तो बाइबल कॉलेज में तो उसे डिटेल में पढ़ाया जाता है क्योंकि वहां घंटों होते हैं, लेकिन आपको मैं पढ़ाऊंगा लेकिन कुछ कुछ हिस्सा, लेकिन आपको समझ सारा आ जाएगा। तो बाइबल में लिखा है जब मरियम से परमेश्वर ने बात की तो मरियम ने एक बात बाइबल में लिखी है, उसने कहा परमेश्वर ने जब उसको गर्भ धारण हो गया, जब उसने बात सुन ली दूत की और एक्सेप्ट कर लिया कि मैं यीशु मसीह को पैदा करूंगी, कुंवारी रहकर भी उसको डर नहीं था कि उसका पति जो होने वाला है, उसकी सगाई हो चुकी थी, वो क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। तो बाइबल कहती है, उसने बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि की है। तो मरियम ने उन वचनों में बताया है कि उसकी लाइफ में ऐसा क्या था कि परमेश्वर ने उसको चुना धरती ऊपर कि उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो। पहली बात थी कि वो कुंवारी, असली कुंवारी थी, नाम की कुंवारी नहीं थी। उसने बाइबल कहती कभी भी किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं बनाया था। सेकंड, वो दीन थी, लिखा परमेश्वर ने, उसने लिखा कि परमेश्वर ने मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि की है। तो जब भी बाइबल में हम किसी के ऊपर परमेश्वर की ग्रेस को देखते हैं तो यह सिर्फ एक तरफा मामला नहीं होता, सिर्फ एक तरफा नहीं होता कि परमेश्वर ने उसको चुन लिया है, यह दो तरफा मामला होता है कि परमेश्वर का मकसद कि अगर तू पवित्रताई पे चले और मेरी आज्ञाओं को सुने तो मैं एक डिवाइन ईश्वरीय होमवर्क तुझे दूंगा, काम करने को दूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तू उससे बात करूंगा। तो जब परमेश्वर का मकसद हमें मिलता है, दूसरा हम उसके अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, तो परमेश्वर आज भी धरती के ऊपर देखता है कौन से लोगों को मैं इस्तेमाल कर सकता हूं अपनी महिमा के लिए। फिर परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है जो अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं, बाद में कहीं बिगड़ जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन जब वो बिगड़े नहीं होते प्रभु उनको चुनता है, सामर्थ देता है, उन्हें इस्तेमाल करना शुरू करता है। तो ये परमेश्वर का प्लान था। और मरियम ने कहा कि परमेश्वर ने मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि की है, अब से सब लोग मुझे धन्य कहेंगे। तो वो वचन में आप पढ़ सकते हैं जिनसे परमेश्वर ने डायरेक्ट बात की है और क्यों की है। ये जीवनियां हम बाइबल कॉलेज में पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उसके बारे में डिस्कशंस होती हैं और स्टडी होती है कि ऐसा क्यों था कि परमेश्वर ने उनसे डायरेक्ट बात की, उनको असाइनमेंट दी, और क्यों था ऐसा, वो सारी चीजों की स्टडी होती है। आज हम स्टडी कर रहे हैं एलिया की। अगर हम एलिया को देखें तो उसकी कोई सी बैकग्राउंड का जिक्र नहीं है, नहीं बताया गया उसका माँ कौन था, नहीं बताया गया उसका पिता कौन था, उसका भाई कौन था, वो कहां से आया था। अभी तो जो जब वो एलिया नजर आया तब तो उसके आई थिंक बाल उड़ चुके थे, वो एक यंग भी नहीं था, आई थिंक यंग उम्र को भी पार कर चुका था। तो एलिया एक ऐसा मनुष्य एकदम से अपीयर होता है, एकदम से जाहिर होता है, ना उसकी बैकग्राउंड, ना माता, ना पिता, ना कोई क्या करता था, कौन सा बिजनेस करता था, कैसे प्रभु ने चुना, कुछ भी बताया, उसकी बैकग्राउंड नहीं बताई गई, लेकिन सीधा उसको राजा के सामने पेश कर दिया गया। बाइबल कहती है अगर तू काम करने में निपुण हो, कौन सा काम, अगर तू परमेश्वर के सामने सही रीति के साथ चले, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुझे छोटे लोगों के सामने नहीं बड़े लोगों के सामने खड़ा करेगा। हालेलुया। अगर आपको अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ाना है, आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारे पास्टर्स कहते हैं मुझे अपनी सेवकाई का स्टैंडर्ड बढ़ाना है, आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। जैसी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है वैसी ही आपकी सेवकाई होती है। आप मुंह से जो मर्जी कह दें रिजल्ट बोलता है। तो यहां पर जिक्र यह होता है कि एलिया का कोई भी बैकग्राउंड नजर नहीं आता। इसका मतलब क्या, परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया कि एलिया का बैकग्राउंड क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि वचन यह कहता है और बाइबल हमें बताती है, नए नियम में कुरंथिया में भी पौलुस लिखता है कि आपकी बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखती, आपकी जाति कोई मायने नहीं रखती, आपका पास्ट कोई मायने नहीं रखता, आप छोटे हैं, कहां से आए हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे, कोई मायने नहीं करता। मायने क्या करता है, उसने कहा, उसने जब राजा से कहा इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं,
तो ये उसका सीक्रेट था कि जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं। एलिया एक ऐसा जन था जो रोज प्रभु के सामने उपस्थित रहता था, प्रभु के सामने खड़ा रहता था, उसकी हजूरी में रहता था, उसकी प्रेजेंस में रहता था, प्रार्थना में रहता था। यह उसका सीक्रेट था। तो परमेश्वर यह बताने की कोशिश यहां पे वचन में कर रहे थे कि अगर तुम प्रभु के सामने उपस्थित रह सको रोज, तुम्हारी लाइफ में क्या है, बैकग्राउंड क्या है, रंग क्या है, जाति क्या है, कहां से आए हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो, ऊंचे हो, नीचे हो, गोरे हो, काले हो, छोटे हो, बड़े हो, लंबे हो, नाटे हो, कोई मतलब नहीं। अगर तुम उपस्थित रह सकते हो प्रभु के सामने रोज, तो बाइबल कहती वो तुम्हें राजाओं के सामने भी खड़ा कर सकता है, वो तुम्हें ऊंचा कर सकता है, तुम्हारे स्टैंडर्ड को बढ़ा सकता है। आमीन, मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। तो यहां पर बाइबल कहती है कि उसकी बैकग्राउंड को इसलिए नहीं बताया गया कि ये आपको सिखाने के लिए हो, कि आपकी बैकग्राउंड मायने नहीं रखती। आप गरीब परिवार से जन्म लेकर भी यीशु मसीह में आकर उस गरीबी के बंधन को तोड़कर झंडे गाड़ सकते हैं यीशु मसीह के नाम। मैं आपको बता रहा हूं, आप एक आम परिवार से आकर भी दुनिया के बेस्ट देशों में बेस्ट पोजीशन से पहुंच सकते हो अगर आप प्रभु के सामने उपस्थित रह सकते हो तो। हालेलुया। यहां पर एक राजा के सामने वो जिम्मेवारी लेता है कि मेरे कहे बिना बारिश भी नहीं आएगी, औंस भी नहीं पड़ेगी, इतनी दिलेरी कैसे हुई। जबकि अगर आप आगे पढ़ें, इसी एलिया की स्टोरी को आगे पढ़ें, जब उसने बाल के नबियों को और अशेरा के नबियों को मार दिया, 850 नबी एक दिन में मारे गए, और उसके बाद जब अहाब ने जाके अपनी पत्नी इजाबेल को बताया कि एलिया ने 850 नबियों को मार दिया है, तो उसने एक मैसेज भेजा एलिया को। उसने कहा, एलिया अगर शाम तक मैं तेरा हाल वही ना कर दूं तो देवता मुझसे भी वही अधिक करे जो उनके साथ हुआ है। तो बाइबल कहती है एलिया भागा। अब क्यों भागा? जो राजा से नहीं डरा इजाबेल से कैसे डर सकता है? जो फर्स्ट पावर से नहीं डरा सेकंड पावर से कैसे डर सकता है? इसका एक एग्जाम्पल है कि जब चाहे वो एलिया था, नाम बड़ा था, लेकिन पावर का सोर्स परमेश्वर था। उपस्थित रहा प्रभु के सामने, और जब आप प्रभु के सामने उपस्थित रहते हैं, आप में एक अजीब तरह की दलेरी आ जाती। वो कैंसर फिर आपको डराता नहीं, वो दुश्मन आपको डराने नहीं पाता। लेकिन अब जब एलिया अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करता जा रहा था, बाल के नबियों को मारा, आग उतारी, सब कुछ किया, प्रार्थना का लेवल लो हो गया। जब प्रार्थना लो हो गया और शैतान ने धमकी दी, तो बाइबल कहती भागा। इससे क्या मालूम होता है कि आपकी लाइफ में ना तो बल से कुछ होगा, ना शक्ति से होगा, ना आपकी विल पावर से होगा, ना आपकी शारीरिक दलेरी से होगा। बड़े बड़े शारीरिक दलेर जब परमेश्वर के राज्य को जरूरत होती भाग जाते हैं। कौन टिका रहता है? जो स्पिरिट में, जो आत्मा में, जो प्रार्थना में स्ट्रांग है। और जब एलिया को अपनी गलती समझ आई कि मैं राजा के सामने खड़ा रहा, 850 नबियों के सामने खड़ा रहा, इतनी ताकत थी मुझ में, मैंने बोला कि जो आसमान से आग उतारकर उत्तर देगा वही परमेश्वर, मैंने आग को उतारा यहोवा के नाम में, और अब मैं कैसे डर गया। तो यह बात समझ आपको आनी चाहिए कि बैकग्राउंड मायने नहीं करती। पतरस शारीरिक रूप से दलेर आदमी था। कैसे साबित होता है? क्योंकि जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो किसी चेले ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पतरस ने तलवार से एक व्यक्ति को मारना चाहा, एक सिपाही को मारना चाहा, उसने सिर पर मारी उसके, लेकिन वो हटा दो कान पे लगी और कान उखड़ गया उसका, तो जीसस ने वो कान वापस जोड़ दिया बिना किसी सर्जरी के। हालेलुया। तो बिना किसी सर्जरी के जब जोड़ा, तो इसे मालूम होता है कि पतरस एक बड़ा दलेर व्यक्ति था, लेकिन प्रभु ने उससे कुछ कहा था उसी रात, उस घटना से पहले, जब पतरस ने कहा था प्रभु अगर तू मरा तो मैं तेरे साथ मरूंगा, तो प्रभु ने कहा था कि आज मुर्गे का जब बांग होगा 3 बार तू मेरा इनकार कर देगा। तो जब यीशु मसीह को पकड़ के ले गए, तो एक व्यक्ति बोला, ए तू भी उन गलीलियों में से है, तू भी उसका चेला है? कहता नहीं नहीं मैं उसका चेला नहीं, एक बार इनकार कर दिया। आग सीखने लगा, औरत ने कहा तेरी बोली तेरा भेद खोलती है, तू भी उनमें से है। 3 बार उसने इनकार किया और फिर लानते डालने का, लानते तो जो यीशु को जानता हो। और जो मुर्गे ने बांग दी और जीसस ने दूर से उसकी ओर देखा और उसको शर्मिंदगी महसूस हुई, वो रोने लगा, उसको याद आया कि
कि मैं चाहे जितना मर्जी शारीरिक रूप से दलेर हूं, लेकिन प्रभु ने जो मुझसे कहा था कि प्रार्थना कर ऐसा ना हो कि तू परीक्षा में पड़ जाए। कई बार बोलते मैं पक्का क्रिश्चियन हूं, ऐसी की तैसी शैतान कुछ नहीं कर सकता, मैं मर भी जाऊंगा। लेकिन जब शैतान आपको अपने पंजे में फंसाता है और परिस्थितियां घेरती हैं, फिर आप डावांडोल होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी फिजिकल विल पावर से यीशु मसीह में नहीं चल सकते। और यही बात एलिया को समझ आई कि जब तक मैं प्रभु के सामने उपस्थित रहता था, राजा की भी मैंने बैंड बजा दी, उसके सामने डरने और जिम्मेदारी मेरे कई बिना बारिश नहीं है। उसने ये नहीं कहा, राजा देख मैं प्रभु का दास हाँ, मेरे ते ना कुछ गल आवे, मैं तेन प्रभु का देना आया मैसेज। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, कोई घुमा फिरा के बात नहीं की। उसने कहा, राजा मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना आस पड़ेगी। लेकिन वही एलिया जब उसकी पत्नी ने एक दबका मारा तो भाग गया वहां से। रीजन, प्रभु के सामने उपस्थित रहना, रोज उपस्थित रहना, हर रोज उपस्थित रहना दानियल की तरक्की का राज था। मौत आए, जीवन आए, बारिश आए, तूफान आए, प्रॉब्लम आए, दुख आए, सुख आए, लेकिन दिन में 3 बार यरूशलम की खिड़कियों को खोलकर वो प्रार्थना और धन्यवाद करना छोड़ता नहीं था। ये आपकी लाइफ का सीक्रेट है। मेरी बाइबल स्टडी का आपको कोई फायदा नहीं होगा अगर आज का वचन आप नहीं फॉलो करेंगे। तो अगली बाइबल स्टडी जो होगी वो तभी आपकी लाइफ में काम आएगी अगर आप इन बेसिक्स को फॉलो करेंगे। तो आपकी लाइफ में पाप नहीं होना चाहिए, आपकी लाइफ में बाइबल स्टडी होनी चाहिए, बाइबल पढ़ना होना चाहिए। तीसरा, आपकी लाइफ में प्रार्थना होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आप अपनी लाइफ में कंप्लीट करते हैं फास्टिंग के साथ, हफ्ते में 1, 2, 3, लेकिन जब स्पेशल बोली जाती हैं तो आपको पूरी करनी है। उसके बाद जब आप फिर चलेंगे और प्रार्थना करेंगे और आप थर्सडे की और संडे की बाइबल टीचिंग को लेना शुरू करेंगे, प्रभु आपसे बात करेंगे, छुटकारे की ओर आपको लेके जाएंगे, आप छुटकारे की ओर चल पड़ेंगे और इसी साल छुटकारा आपके हाथ में होगा। और मेरे को आमीन ऊंचे वाला चाहिए। मैंने छुटकारे को होते देखा पिछले डिलीवरेंस मीटिंग्स के दौरान, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां, सरकारी पदों पे लगे हुए बड़े ऊंचे ऊंचे पदों के लोग, किस तरह से परमेश्वर ने उन दिनों के दौरान उनको चर्च में भेजा, उनको डिलीवर किया और डिलीवरेंस की शुरुआत उन दिनों से हुई और आज वो डिलीवर हो रहे हैं कंप्लीटली और आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर उनको आगे लेके जाता जा रहा है। वो उन डिलीवरेंस वीक्स के कारण था। अब फिर से वो ग्रेस आपकी लाइफ के ऊपर आएगी। आप बाइबल टीचिंग को सुनेंगे, गहरी बाइबल स्टडी को लेंगे, प्रार्थना को रिसीव करेंगे, मास प्रेयर को रिसीव करेंगे, ले हैंड को रिसीव करेंगे, ऑयल को रिसीव करेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली। स्पिरिचुअल फीस्ट शुरू हो चुके हैं। आप खुल के आत्मिक खाने को खाओगे और मजबूत हो जाओगे। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला और खड़कने वाला चाहिए। हालेलुया। यहां पर हमें यह बात समझ आ गई, ना बल से ना शक्ति से, प्रभु की प्रेजेंस में नहीं रहेंगे तो चाहे जितने मर्जी टैलेंटेड हो, गिफ्टेड हो, चाहे आत्मिक वरदान हो, चाहे शारीरिक स्किल्स हो, वो किसी काम के नहीं है। क्योंकि वो चार्ज हमें रोज अपना करना पड़ेगा और प्रभु के सामने उपस्थित रहना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम उस लाइन में बने रहें जो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित की गई है। इसके आगे हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रभु ने उससे कहा कि पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जाके जो यरदन के पूर्व में है छुप जा। अब एलिया को यह बात मालूम थी कि जब मैं राजा को यह धमकी दे दूंगा कि मेरे कहे बिना बारिश ओस नहीं पड़े, हो सकता परसों चौथ बारिश हुई हो, सब जगह जब उसने बाज की हो सब जगह इतनी ऊंची ऊंची घास हुई हो, तो राजा को लगा ये बेवकूफ सा आदमी, ये एक फकीर सा आदमी लग रहा है, ये क्या करेगा। लेकिन वचन कहता है जैसे ही एलिया के मुंह से वचन निकले, मौसम बदला और ड्राई होना शुरू हुआ। और परमेश्वर को मालूम था कि जब मौसम ड्राई होना शुरू होगा, राजा को गुस्सा आएगा और ये एलिया को ढूंढने के लिए लोगों को भेजेगा। तो परमेश्वर ने उसको पहले ही बता दिया कि यहां से अब चला जा, तू अपने घर में नहीं रहेगा, अब यहां से करीत नामक नाले में जा और वहीं छुप कर रहे। लिखा है जहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में परमेश्वर का छिप जा, वहां से चलकर उसी नाले का पानी तो पिया करो और कौओं को मैंने आज्ञा दी वो तुझे खिलाएं। अब एक बात यहां और समझने की जरूरत है कि जब एलिया परमेश्वर के वचनों को राजा के पास लेके जा रहा था तो उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं ठीक है, मैं राजा को बोल दूंगा
लेकिन उसके बाद क्या, थोड़ा प्लान तो बताओ। राजा वहीं पकड़ लेगा या क्या करना है, फांसी ना दे दे वो। अगर आप प्रभु से संपूर्ण चमत्कार को, और वो एक होता ना माइटी हैंड खुदा का, वो अगर देखना चाहते हो अपने सिर के ऊपर, आपको उस पे उसके ऊपर कंप्लीट भरोसा रखना पड़ेगा। कंप्लीट भरोसा। आप उससे नहीं कहते पहले मुझे योजना बताओ इसके आगे क्या। आपको प्रभु कह सकता है जा अपने परिवार को बोल दे तू क्रिश्चियन हो चुका है, बपतिस्मा ले चुका है, आज से तेरा खुदावंद यीशु मसीह। आप बोलेंगे प्रभु आगे क्या, मैं फिर लुधियाना में छुप जाऊं प्रभु आगे क्या? अगर वो ये करेंगे घर से निकाल देंगे तो क्या होगा? इसका मतलब आप प्रभु के ऊपर पूरी तरह भरोसा नहीं रखते हैं। उसने पहले स्टेप लिया, उसको नहीं मालूम था आगे क्या होगा। जब स्टेप ले चुका, प्रभु ने कहा अब दूसरा कदम ये है। आप जब आत्मिक जीवन जीते हैं, परमेश्वर आपको एक कदम ही आपको मालूम होता है कि ये कदम मुझे मालूम है कि मुझे आत्मा में लेना है, आगे क्या करना है मुझे कुछ नहीं पता। अब्राहम अपने घर, अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने देश को छोड़ के, वो देश जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा चला जा। प्रभु कौन सा देश, बोर्डिंग पास कहां है, पासपोर्ट कहां है, किस देश में जाऊंगा, वहां क्या करूंगा, क्या काम करूंगा, उस देश में मुझे कुछ होगा तो नहीं। लेकिन वचन कहता है वो अपने देश को छोड़कर चल पड़ा। किधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, कोई मैसेज नहीं, कोई अगुवाई नहीं, बस इतना पता था कि ये एरिया छोड़ के जाना है। वो चल पड़ा, आगे प्रभु की आवाज आई, अब यहां जाना है। संपूर्ण भरोसा। हो सकता है जब वो चल पड़ा हो दो साल आवाज ना आई हो, लेकिन आज के विश्वासी को पूरा मास्टर प्लान चाहिए। अगर मैं ये करूंगा तो प्रभु क्या करेगा, अगले दिन उसको अगुवाई चाहिए, क्योंकि सब फास्ट जमाना है। पहले एक पिक्चर भेजनी होती थी, पिक्चर खींचते थे, उसको कार्ड से ईमेल पे ट्रांसफर करते थे, ईमेल से उसकी अटैचमेंट बना के भेजते थे, भाई साहब पिक्चर पहुंच गई, वो डाउनलोड होता। आज पिक्चर खींचो व्हाट्सएप पे, ठक ठक पहुंच गई, चलो ठीक है बच्चे दो, अरे चलो पहुंच गई। फास्ट जमाना हो गया, आज सब कुछ फास्ट चाहिए। अगर मुझे ये स्टेप लेना है प्रभु क्या करेगा? आज मैंने टाइप दिया पास्टर साहब, कल मेरा करोड़ों रुपया घर में पहुंच जाना चाहिए। हालेलुया। लेकिन प्रभु ऐसे काम नहीं करता। जो मैजिशियन होता है, जो जादूगर होता है, वो प्रभावित करने के लिए जादू करता है, लेकिन जीसस मैजिशियन नहीं। अगर आप उससे मिरेकल चाहते हैं तो आपको प्रेम में होकर संपूर्ण विश्वास के साथ एक बच्चे के माफिक उसके पास जाना पड़ेगा और वो आपको छुएगा। वो मैजिशियन नहीं है जो आपको प्रभावित करने के लिए कि आप क्रिश्चियन हो जाओ तो मिरेकल करेगा। उसे कोई जरूरत नहीं है, वो धर्म बदलने नहीं आया किसी का, उसने सब लोगों को बनाया है। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? तो यहां ये समझ आती है कि उसके पास अगला प्लान नहीं था, तो परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा कि एक स्टेप मालूम है आप चलेंगे और आगे क्या हुआ। लिखा यहोवा का यह वचन मानकर मैं यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाके छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, वो नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने का कारण नाला सूख गया, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे, एक विधवा को मैंने वहां तुझे खिलाने की सुन आज्ञा दी। अब वहां का पानी जब सूख गया तो आगे क्या? वो घबराया नहीं, प्रभु ने कहा अब सारपत नगर में जा, क्योंकि अकाल पड़ चुका था। उसे मालूम था सब जगह अकाल है, किसी कोई ढाबा नहीं खुला, कोई दुकान नहीं खुली, किसी के पास खाना नहीं है, और यह दिखाता है कि वो संपूर्ण समर्पण में था कि एक स्टेप ले लिया, क्या मैं जीसस को मानता हूं, अंगीकार कर लिया। प्रभु ने कहा दस लोगों के सामने तो मेरा अंगीकार करेगा, मैं स्वर्गदूतों के सामने, पिता के सामने बोल दूंगा कि ये मेरा बेटा है। तू शर्माएगा, मुझे भी शर्म आएगी पिता के सामने, दूतों के सामने कहने में कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। तू हिसाब हिसाब से चलेगा, मैं भी हिसाब हिसाब से चलूंगा।
लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने स्टेप लेते हैं, उस पर संपूर्ण भरोसा रखते हैं, एक बाप की तरह उसको अपना बाप मानते, उसकी शरण में जाते हैं और भरोसा रखते हैं कि अगर वो पहला कदम उठाने के लिए मुझे कह रहा है तो समय आने पर दूसरा कदम उठाने के लिए मेरी अगुवाई करेगा, दूसरा कदम उठाने के बाद तीसरा कदम उठाने के लिए मेरी अगुवाई करेगा। इसे कहते हैं मेरी रोज की रोटी मुझे रोज दे। इसलिए प्रभु ने कहा प्रार्थना करो कि तुम्हारी रोज की रोटी तुम्हें रोज मिले। प्रभु ने ऐसा कभी भी किसी आज तक इस सेवक को खड़ा नहीं किया कि जिसे प्रभु ने बता दिया हो कि 20 साल बाद क्या होगा। मुझे बताया प्लान आने वाले कुछ सालों का, जब सेवा स्टार्ट हुई थी इतना पता था कि बहुत लोग होंगे, उसके आगे क्या नहीं मालूम, अगला स्टेप लोग हो गए, उससे अगला पहले नहीं बताया, जब हो गया अगला, अब अगले आगे क्या होने जा रहा है वो पहले नहीं बताया, अब बताया, उसके आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं। जब मैं समर्पित रहूंगा वो रोज की रोटी देगा और रोज जाहिर करेगा और रोज अगुवाई करेगा। आमेन। तो आज आपका बेसिक मैंने आपको दिया है, अपनी लाइफ में जाएं, प्रार्थना को कंप्लीट करें, बाइबल के साथ जुड़ें और रोज खुदावंद के सामने उपस्थित रहें, ताकि मैं भी वही वचन आपको दूं जो रेमा हो आप लोगों के लिए। क्योंकि जब आप लोग स्पिरिट में करेक्ट होके आते हैं, परमेश्वर मुझसे फिर वही वचन मुझे देता है जो आपको चाहिए होता है। हालेलुया। और मैं आपको एक बात प्रोफेटिकली बताना चाहता हूं, आपके मसलों का हल इसमें मिला हुआ है। और मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, ये अब मैं आपको बात या वचन नहीं दे रहा हूं सिंपल बोल के, अपना वचन नहीं, अपने बोल नहीं दे रहा हूं, मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं कि आपके मसलों का हल इसी वचन के बीच में होगा। और मैं आपको बता रहा हूं आपकी लाइफ के एक या दो या तीन या नौ नहीं, सारे मसले हल होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं क्या कहा मैंने, सारे। जस्ट आप चलते रहना। और आमीन, मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू।